હવે જોઈએ દેશની ટોપ 10 ખબરો। सुप्रीम कोर्टे कृषि कायदा पर सरकार अने खेडूतो वच्चेना विवादनो अंत लावा सुप्रीम कोर्टे समिति की रचना करी। सुप्रीम कोर्टे रचेली समिति नो खेडूत संगठनों कर्यो बहिष्कार। समिति में सरकार ना मळत्या होवाना आक्षेप करी बहिष्कार कर्यो। साथे ज खेडूतोए पोतानी पक्ष स्पष्ट करता कह्युं, अमे कोई समिति समक्ष जवाना नथी, अमारुं आंदोलन चालू ज रहेशे। नवा कृषि कायदा विरोध में दिल्ली की सरहदे खेडूतों आंदोलन यथावत। सुप्रीम कोर्टे कायदा पर हाल पूरती रोक लगाया छता आंदोलन यथावत। खेडूतों चिंकी उच्चारी है कि जो केंद्र सरकार बलजबरी पूर्वक अमने आंदोलन स्थले थी हटावशे तो 10,000 थी वधु लोकोना मौत थई शके छे। नोंधनीय है कि 15 जानुआरी सरकार अने खेडूतों वच्चे वधु एक तबक्कानी वाटाघाटो थवानी छे, जेमां खेडूत नेताओं अने सरकार वच्चे वाटाघाटो थशे। 26 जानुआरी खेडूतों ट्रेक्टर परेड योजवानी पण जाहेरात करी चुक्या छे। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साथ बैठक योजी। बैठक में कृषि कायदा अंगे चाली रहे खेडूतों प्रदर्शन पर चर्चा। अत्रे उल्लेखनीय है कि हरियाणा में चाली रहे खेडूत आंदोलन ने पगले राजनैतिक हलचल तेज बनी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर आंदोलन की असर देखावा लगी है। कांग्रेस सरकार सतत विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में अनामत कोटा 50% राज्य सरकारे बनाव्यो प्लान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल पीएम मोदी ने मळे तेवी शक्यता। महाराष्ट्र सरकार इच्छे छे कि सुप्रीम कोर्ट ना आदेश अनुसार अनामत कोटा 50% वधारवामां आवे, जेथी तेनो लाभ अन्य राज्यों लोकोने पण मळी शके। अत्रे नोंधनीय छे कि महाराष्ट्र में मराठा अनामत सळगतो मुद्दो छे। ज्यां सुधी अनामत कोटा वधतो नथी त्यां सुधी मराठा आरक्षण मळवू शक्य नथी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इटाली ना प्रवासे थी आज परत फरशे। 17 दिवस बाद राहुल गांधी भारत आवशे। राहुल गांधी इटाली में पोताना दादी ने मळवा गया था। खेडूत आंदोलन वच्चे राहुल गांधी विदेश प्रवास जता विवाद सर्जायो। आज भारत परत फर्या बाद राहुल गांधी आवतीकाले तमिलनाडु की मुलाकात लेशे। आ दरमियान मदुराई में जल्लीकट्टू रमतन पण निहाळशे। केंद्र सरकार 1 फेब्रुआरी वर्ष 2021-22 माटे केंद्रीय बजेट संसद में रजू करशे। बजेट में 2% सुधीनो वन टाइम कोविड-19 रिलीफ सेस लादवामां आवे तेवी शक्यता छे। कोरोना वायरस महामारी ने कारणे देशना अर्थतंत्र ने माठी असर पहुंची छे, तेने पुनर्गठित करवा माटे महसूली आवकनी जरूर छे। रोगचाळा ने काबू में राखवा माटे सरकारी खर्चामां वधारो थयो छे, जेना पगले सरकार पर महसूली आवक उभी करवानुं दबाण आव्युं छे। बर्ड फ्लू ना कहर थी हिमाचल प्रदेश में 1 दिवस में 1,000 थी वधु पक्षी ना मृत्यु थया। उत्तराखंड में छेल्ला केटलाक दिवसों में 300 थी वधु पक्षी ना मृत्यु निपजा। भारत में कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू ना केस नोंधाया छे। केंद्र सरकारे टेस्टिंग प्रोटोकॉल अने पीपीई किट नो पूरतो जत्थो राखवा माटे एडवाइजरी जारी करी छे। देश में 16 जानुआरी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू थशे, त्यारे 17 जानुआरी योजानारा पोलियो रसीकरण कार्यक्रम हाल पूरतो मुलतवी राखवामां आव्यो छे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आंगे माहिती आपी, स्वास्थ्य मंत्रालय मुजब अनपेक्षित गतिविधियों ने कारण आ कार्यक्रम आगामी आदेश सुधी रद्द करी देवामां आव्यो छे। जम्मू कश्मीर में भारे हिमवर्षा थी छेल्ला 10 वर्ष नो रेकॉर्ड तूट्यो। गत 9 दिवस में 7 फूट करता पण वधु बरफनी वर्षा थई। हिमवर्षा ने लीधे नाना मोटा आश्रे 22,000 किलोमीटर ना रोड बंद कराया। हिमवर्षा ने कारणे 200 थी वधु घर नी छतों ने नुकसान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हाए भारे हिमवर्षा ने कुदरती आपत्ति जाहिर करी। छेल्ला 2 दिवसथी ठंडीथी लोकोने राहत मळी छे, त्यारे आगामी केटलाक दिवसोमां देशना मोटा भागना विस्तारोमां कातिल ठंडी पड़वानी हवामान विभागे आगाही व्यक्त करी छे। उत्तर भारतना मैदानी विस्तारोमां ओरेंज एलर्ट जाहेर करवामां आव्युं छे। दक्षिणमां तमिलनाडु केरल पोंडिचेरीमां भारेथी अतिभारे वरसाद वरसवानी शक्यता छे। पूर्व अने मध्य भारतमां आगामी दिवसोमां तापमानमां 2 થી 5 ડિગ્રીની ગગડવાની પણ શક્યતા રહેલી છે। मध्यप्रदेश मुरैना में झेरीली दारू पीवाथी 20 लोकोना मौत, जारे 17 लोकोनी तबियत गंभीर। पुलिस मुजब पूछपरछ माटे केटलाक लोकोनी अटकायत करवामां आवी। तो बीजी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहाणे जिला एक्साइज अधिकारी ने सस्पेंड करवा कह्युं, तेमज एक पुलिस कर्मी सस्पेंड करायो छे। घटना अंगे तपास माटे टीम पण मोकलवामां आवी छे। दिग्गज उद्योगपति इलॉन मस्के भारत में पोताना उद्योग शुरू करवा जई रह्या छे। इलॉन मस्क नी इलेक्ट्रिक कार बनावती कंपनी टेस्लाए भारत में एंट्री करी छे। भारत में टेस्ला नी इलेक्ट्रिक कारों नुं निर्माण शुरू थयुं छे। टेस्लाए सत्तावार रीते बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन करावी छे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरीए कह्युं कि कर्नाटका ग्रीन मोबिलिटी तरफ भारत की यात्रा नुं नेतृत्व करशे। वधुमां जणाव्युं कि बेंगलुरु में टेस्ला नी R&D यूनिट साथे
कामगीरी शुरू कराशे।